आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। तो गाइस आप सभी को पता चल गया होगा, मेरी बेटी ने आपको बता दिया है कि मैंने अपने लिए एक साइकिल ख़रीदा है। तो गाइस आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 महीनों से लॉकडाउन था और हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो गाइस मेरे चैनल पर ज़्यादातर जो वीडियोज़ आते हैं वो टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड होते हैं, बट पिछले 3-4 महीनों से हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए चैनल पर कोई नया वीडियो भी नहीं आया है। तो गाइस जो घर पे रह करके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था वो था फिटनेस को लेकर के। तो पिछले 2-3 महीनों में पेट के साथ साथ वज़न भी बढ़ गया है। तो फिटनेस में मोटिवेशन के लिए गाइस मैंने बहुत ट्राई किया घर पे रह करके। मैंने जिम के लिए कुछ सामान भी लाया था, घर पे एक्सरसाइज करने की कोशिश किया, योगा करने का कोशिश किया, बट कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। खास करके मेरे जैसे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत ही कम टाइम मिलता है अपने लिए। तो और फिटनेस में मोटिवेट रखना अपने आप को एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जब तक आप कुछ नया नहीं करते रहोगे ना, जब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचा चलो अब साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं, वीकेंड्स को साइकिल चलाएंगे, वर्किंग डेज में टाइम मिलेगा तो रनिंग कर लेंगे, कभी योगा कर लेंगे, ऐसे करके अपने आप को फिट रखेंगे। तो आने वाले दिनों में मैंने कुछ इनोवेटिव सोचा है, मैं कुछ अच्छा वीडियोस बनाऊंगा साइकिलिंग को लेकर के। मैं लास्ट 1 वीक साइकिलिंग कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कौन सा साइकिल लिया और कितने का ये साइकिल पड़ा है, और मैंने इस साइकिल से रिलेटेड बहुत सारी एसेसरीज भी मंगाई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आने वाले दिनों में आपको साइकिलिंग से रिलेटेड ही वीडियोज़ देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो आई होप आप उसको इंजॉय करोगे। तो चलता हूँ जल्दी आपको मैं बता देता हूँ। तो गाइज मैंने जो ये साइकिल ली है, यह हीरो ग्रुप की ही एक ब्रांड है जिसका नाम है क्रॉस इम्पेल 200, मेरे साइकिल का मॉडल का नाम है। और यह एक माउंटेनिंग बाइक है, आगे का जो इसका ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक है और पीछे का वी ब्रेक है। और ये जो साइकिल है वो बेसिकली 2016 में लॉन्च हुआ था। अभी आप मार्केट में जाओगे तो आपको साइकिल के बहुत ज़्यादा मॉडल्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। ये साइकिल जो मार्केट में जो इसकी प्राइस है वो 15,300 की आती है, और आप गेस कर सकते हो मेरे को ये साइकिल कितने का मिला है। तो मेरे को जो इस साइकिल का कॉस्ट पड़ा है दैट इज़ 10,000। तो मैंने 5,300 रुपीज़ निगोशिएट किया है वेंडर के साथ ड्यू टू ओल्ड मॉडल। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बिल्कुल सब कुछ नया है, बस एक बार पॉलिश करने की ज़रूरत है। मैंने कुछ टूल्स मंगाए हैं, वो आ जाने के बाद मैं इसको पॉलिश वगैरह करके बिल्कुल ही नया कर दूंगा। एक चीज़ आप एसेसरीज़ वगैरह शॉप्स में मत लगाना, ज़्यादातर शॉप्स में जो वेंडर के पास जो भी साइकिल के स्टोर होते हैं उनके पास एसेसरीज़ जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना लगाने से पहले, आपको बहुत ही अच्छे सस्ते एसेसरीज़ भी मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको साइकिल के बारे में दिखा देता हूँ और मैंने जो एसेसरीज़ ली है इस साइकिल से रिलेटेड उसको भी दिखाता हूँ। अपने साइकिल के साथ बहुत सारी एसेसरीज़ भी ली है, और मैंने आपको बताया भी है कि आप एसेसरीज़ पहले अमेज़ॉन पे देख लो, या फिर अगर डीकैथलॉन का शोरूम है आपके टाउन में तो आप सबसे पहले वहाँ जा कर के देख लो, आपको सस्ते दामों में अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ 1x1 कि कौन कौन से एसेसरीज़ मैंने अपने साइकिल के लिए लिए हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने लिया है एक बॉटल होल्डर साइकिल्स के लिए। मैं ऐसा ही ब्लू कलर ढूंढ रहा था, ये काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये मैंने डीकैथलॉन से लिया है और इसका जो प्राइस था 199 का। लोकल मार्केट में भी जाओगे 199 का मिलेगा, बट उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया मिलेगी। और दूसरा मैंने लिया है ये टूल किट, ये भी मैंने डीकैथलॉन से लिया है, इसमें एलन कीज़ हैं। तो ये टूल किट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो गाइज़ मैंने अमेज़न पर रिव्यू देखा था, अमेज़न पर जो टूल किट है उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है, तो ये मेरे को 259 का पड़ा टूल किट, बेसिक टूल किट। ये घर के अदर्स काम के लिए भी यूज़ आप कर सकते हो। तो गाइस मैंने यह एक एसेसरीज लिया है GoPro माउंट करने के लिए अपने हैंडल वार पे, तो ये मेरे को पड़ा 799 का और मैंने अमेज़न से मंगाया है। इसकी खासियत है कि ये 360 डिग्री रोटेट करता है, तो आप कैमरा को फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी इसको यूज़ करके देखते हैं।
तो गाइज मैंने यह एक हेलमेट लिया है डीकैथलॉन से और काफ़ी अच्छा हेलमेट है ये, रॉक राइडर का हेलमेट है और ये मेरे को पड़ा 1999 का। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप रोड पे निकलते हो तो सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि साइकिल तो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चलेगी बट पीछे से कौन कितने स्पीड से आ रहा है ये नहीं जानते। तो मैं तो बोलूँगा कि सेफ्टी फर्स्ट अगर आप रोड पे साइकिल चला रहे हो तो। नेक्स्ट मैंने एक जेल सीट कवर लिया था, ये मैंने लोकल शॉप से ही लिया था, तो ये 300 का पड़ा। डीकैथलॉन में इससे अच्छा सीट कवर मेरे को मिल रहा था, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। और यह एक एयर पंप लिया है मैंने, ये मेरे को 300 का पड़ा है, जो मेरे को ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है। डीकैथलॉन में आपको 100 rupees का हैंड पंप अच्छा मिल जाएगा। ये मैंने लिया है मड कवर और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से, बेसिकली मेरे को ब्लू कलर के स्टिकर्स के साथ चाहिए था तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। और इसका जो प्राइस है वो मेरे को 249 का पड़ा है, तो लोकल शॉप में भी मेरे को 300 का मड गार्ड मिल रहा था जिसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया थी, तो ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। तो गाइज एक और एसेसरीज मैंने मंगाया जो अभी तक नहीं आया है, वो जब आ जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में दिखाऊंगा। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर साइकिल से रिलेटेड कोई बेसिक क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आई कैन हेल्प यू आउट। अगर आप द्वारका में रहते हो तो आप मेरे को मैसेज करना, हम लोग साइकिलिंग साथ में कर सकते हैं। एंड मैं जल्दी से सारे से सीरीज साइकिल पे लगाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि ये कैसा लगता है।